भारतीय फुटबॉल टीम कतर के साथ ड्रॉ होने के बाद अक्टूबर में कोलकाता के प्रतिष्ठित साल्ट लेक स्टेडियम में पड़ोसी देश बांग्लादेश से खेलेगी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी अनादि बरुआ ने ब्लू टाइगर्स को अपने विरोधियों को हल्के में न लेने की चेतावनी दी और उनसे घरेलू मैच में फुटबॉल में अटैक पर ध्यान देने को कहा। 2022 फीफा विश्व कप क्वालिफायर के पहले दो दौर भी 2023 एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालिफायर के रूप में काम करेंगे। भारत का ग्रुप ई में कतर, ओमान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ मुकाबला होगा। दो मैचों के बाद भारत एक अंक के साथ चौथे स्थान पर है। भारत अपने पहले मैच में ओमान से 1-2 से हार गया था। सबसे बड़ी बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इंडियन टीम को। इंडियन टीम बहुत अच्छा फुटबॉल खेली। ये एक कतार एक ऐसी टीम थी जिन्होंने पहली बार एशियन कंट्री में, जितने भी एशियन कंट्री के टीम है उसमें ड्रॉ पहली बार इंडिया ने किया, जबकि उन्होंने जापान को, कोरिया को, सबको उन्होंने सबसे जीते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उन्होंने ड्रॉ किया और वो भी इंडिया ने ड्रॉ किया ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई के अंदर। तो ये दाद देनी पड़ेगी इंडियन टीम को, बहुत अच्छा फुटबॉल खेली। इस मैच में कमी तो खली, अगर हट के बोले एज ए प्लेयर, क्योंकि सुनील छेत्री अगर रहता तो टीम के अंदर मनोबल बढ़ता है। रही बात टीम विदाउट सुनील छेत्री से खेले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अच्छा फुटबॉल खेला। गोलकीपर नो डाउट जो कैप्टन भी थे बहुत अच्छा फुटबॉल खेले संधु, डिफेंसिव बहुत बढ़िया फुटबॉल रहा, लेकिन इन्होंने अटैक ज़्यादा नहीं किए। इंडियन टीम ने दो या तीन अटैक किए और उन्होंने 27 अटैक्स किए और 15 उनको कॉर्नर मिले और बहुत सारे सेव गोलकीपर ने किए। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे टीम को अगर रोकते हैं और उन्हीं के होम कंट्री के अंदर, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये इससे मनोबल बढ़ता है इंडियन टीम का। एक बहुत बूस्ट करेगा क्योंकि दोनों टफ मैच हमारा हो चुके हैं। पहला मैच हम 2-1 से हारे, सेकंड मैच कतार से। ये दोनों टफ टीमें, अब मलेशिया हो चाहे अफगानिस्तान हो, लेकिन टीम का परफॉर्मेंस आस्ते आस्ते बढ़ रहा है और अच्छी खेल रही टीम। अब सुनील छेत्री भी बुखार के बाद ठीक हो जाए तो और अच्छा खेलेंगे। विदाउट सुनील छेत्री उदांता सिंह बहुत बढ़िया फुटबॉल खेले, गोलकीपर, डिफेंडर संदीप रिंगन, ऑल प्लेयर्स। मैं एक एक प्लेयर जो है को दाद देना चाहता हूँ कि डिफेंस हमारे बहुत बढ़िया फुटबॉल खेले, गोलकीपर ने बहुत बचाए। अच्छी बात है कि हर बार इंडियन गोलकीपर अच्छे ही खेलते हैं दूसरे फॉरेन टीम के साथ, क्योंकि उनके पास इतना अटैक होता है तो उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रही बात अगर सुनील छेत्री आता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सुनील छेत्री ने अभी तक 82 गोल्स कर चुके हैं और भी गोल मारने का मौका मिलेगा और अच्छे भी खेले। दोनों मैच अच्छे मैच होंगे, किसी को कम आंकना मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है, अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी, बहुत ही अच्छी टीम है। कई आप कभी भी किसी को अपने ओपोनेंट टीम को कम आंकना नहीं चाहिए। रही बात इंडियन टीम ज़्यादा सुपीरियर है, लेकिन आपको गोल मारने का मौका जो है वो उसको गंवाना नहीं चाहिए। गोल जरूर मारें, जब तक गोल नहीं होगा तब तक आपको फुटबॉल का मज़ा नहीं होगा और गोल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हमें सबसे पहले अटैकिंग फुटबॉल जो है वो खेलना है, कोचेज की जो रणनीति है उसके ऊपर अमल करना है। बहुत अच्छे कोच हैं जो बॉल लेके, उन्होंने जो पोजिशन ऑफ फुटबॉल है वो बहुत अच्छा हो गया है पहले से। तो इंडियन टीम अच्छा खेल रही है और लगता है कि कुछ करके दिखाएगी।